नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति, अपराध तथा सामाजिक जगत से जुड़ी हुई खास खबर। महिला है, महिलाओं की समस्याओं से मुंबई में काफी संघर्ष कर रही है। मुंबई हो चाहे मुंबई से सटे हुए थाना मीरा भाईंदर, विरार, यहाँ तक कि महाराष्ट्र अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। इनके पास अपनी समस्याओं का लोग लेके आते हैं, उनका निराकरण करते हैं, उनके साथ संघर्ष करती हैं। हम पूछते हैं किस तरह से बेटी बचाओ और महिलाओं के शोषण और बालिकाओं का अत्याचार किस तरह से संघर्ष करती है, किस तरह की समस्याएं उनके पास आती और किस तरह से वो निदान करती। हमारे पास महिलाओं की इतनी सारी समस्या है कि एक अगर सुलझाती है तो दूसरा एक आ जाता है और जिनकी तकलीफ तो मैं नहीं देख पाती हूँ। हमारी गवर्नमेंट, हमारी मोदी सरकार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी हमारे उत्तर भारतीय समाज में न बेटी को पढ़ाया जाता है न बेटी को बचाया जाता है। मैं यही चाहती हूँ कि उनको हक, उनका अधिकार मिले। हर तरह से उनको गिराया जाता है, उनको मतलब इतना मतलब वो कर देते हैं कि इतना मतलब सता देते हैं कि आखिर उनको जान देना पड़ जाता है। आज मैं अकेली मैं खुद पे डिपेंड होके मुझसे जितना हो सकता है कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार उसमें हमारी मदद करे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये हमारी मदद करेंगे। आज उत्तर भारतीय बिहार में, बॉम्बे में भी बहुत ये हो चुका है कि शादी के बाद औरत को छोड़ दिया जाता है, बच्चे को लेके मायके में भी माँ बाप भी नहीं सपोर्ट करते हैं। मैं उन माँ बाप से भी कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करो, उनका साथ दो ना कि उनको छोड़ो। आप किस तरह से मुहिम चलाने वाली हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मैं ये इस तरह से मुहिम चलाने वाली हूँ कि हर बेटी को उनका हक मिलना चाहिए, हर बेटी को अधिकार मिलना चाहिए। शादी होने के बाद में हस्बैंड लोग कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम करके छोड़ देते हैं, वो माँ बाप के घर में भी बोझ बन के रह जाती हैं और ना ही कुछ कर पाती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनके लिए कुछ रोजगार का सुविधा करें और कोर्ट कचहरी ये सब में जाने में भी उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कोर्ट कचहरी भाग सके। मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि हर तरह से उनको सपोर्ट करें। और ये मेरी हिंदू धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हर समाज की लड़ाई है। आप बोलते हैं तीन तलाक का मुद्दा मुस्लिम में है, तो हमारे समाज में भी यही है। हम डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर हम अपने हक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमको गिराया जाता है, तो फिर समाज किस काम का है। मैं अपने सरकार से यही बोलती हूँ कि हमें हमारा अधिकार मिले, वो औरतों को भी, मुस्लिम औरतों को भी अधिकार मिले, हक मिले, कि वो इज्जत भरी जिंदगी जी सके, ना कि दर दर की ठोकरें खाएं। हमारे बीच थी रूपा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर की जिला उपाध्यक्ष, जो महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ के लिए अभियान, दोनों समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार उनको अगर मदद दे तो बहुत अच्छे स्तर से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़कर आना चाहिए, जिससे जो मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि समाज में परिवार न टूटे, और उसी के वास्ते वो काम करना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित ही अगर रूपा शर्मा जैसी महिलाओं के लिए हम, आप, समाज के लोग, शासन के लोग कुछ सहयोग करेंगे तो निश्चित ही समाज में जो बढ़ रही कुरीतियां, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है या किसी तरह की कुरीतियां हैं, तो ये लोग आगे बढ़कर उसको अंजाम दे सकते हैं। एबी न्यूज की शुभकामनाएं कि वो अपनी मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ाए। एबी न्यूज के लिए विनीत मिश्रा के साथ विनय पाठक।